हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए। आप लोग को कुछ अलग सा चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं सोचती ही कि कम्युनिटी पोस्ट डालूं, बट मैं डाल नहीं पाती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ ज़्यादा आजकल, क्योंकि डॉक्टर के पास आना जाना आना जाना ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो खैर, अब जो है मैं अपने घर को जा रही हूँ। सो आज रात मैं अपने घर पर होंगी, क्योंकि अपना घर होता है। होटल में बहुत दिन से हूँ तो अब जो है अपने घर जाने वाली हूँ। तो अब लोग जो है आप लोग को जो भी आप लोग रीडिंग कहोगे वो मिला करेगी, क्योंकि कार्ड्स मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डेक लेकर के आई नहीं थी। तो अगर आप लोग जो है अगर आपको कुछ अलग से रीडिंग चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की रीडिंग चाहिए, पीका कार्ड रीडिंग चाहिए कि किस तरीके की रीडिंग चाहिए। ऐसे मैं पीका कार्ड रीडिंग करती नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक, क्योंकि आप लोग नहीं देखते हो तो उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ और टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो अगर आपको चाहिए पीका कार्ड भी तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे जो भी जो है जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हो उस टॉपिक को सेंड करो, मुझे सजेस्ट करो, मैं आपको रीडिंग वो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ठीक है, देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमागी लाल बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ओवर, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है ना यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी जो है स्टक सा फील कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि दिमाग लगा करके चीज़ों को सुलझाना, समझना, ठीक है, वो ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, डीपली थिंकिंग मुझे इनकी नज़र आ रही है, वो क्लियरली दिख रहा है कि डीपली थिंकिंग हो रही है इनकी। चलिए कार्ड्स देखते हैं। मून की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस,
थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन आपका दिल तो तोड़ चुके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका दिल इस पर्सन ने क्यों तोड़ा है। ठीक है, आपका दिल बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन ने तोड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिच किया है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना आपके लाइफ में, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में ये आने की चाहत रखते हैं। ठीक है, आने की चाहत बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट यहाँ पे वही है कि इनका दिल टूटा हुआ है, इनको भी तकलीफ़ें हो रही हैं, इनको भी अपनी लाइफ में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस इंसान ने जो भी किया जैसे भी किया वो इनकी गलती रही है, गलती थी, गलती है, ये पर्सन ये मान चुके हैं कि इनकी गलती रही है, इनकी गलती की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो आती रही हैं, और उस प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग्स रख रहे हो जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी ख़राब कर देने वाली फीलिंग्स रही हैं, ज़िंदगी एकदम से तबाह कर देने वाली फीलिंग्स रही हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये किसी और के माइंड से भी चल रहे हैं, अपने माइंड से भी चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कहता ना कि इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ये इनके माइंड में जो जो खौफ है या जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं वो निकल नहीं पा रही हैं, और ये अपने माइंड में जो दर्द है, जो खौफ है, जो तकलीफ़ें हैं उसको निकालना चाह रहे हैं। ये पर्सन निकालना चाह करके यहाँ पे दिख रहा है कि देखो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये सबका है। ठीक है, हम किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो खुशी और गम दोनों का साथ साथ संगम है, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी वही फील हो रहा है, यानी कि दर्द फील हो रहा है, तन्हा फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं ये पर्सन, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, इनको जो भी इन्होंने किया है आपके साथ उसका पछतावा हो रहा है, इनको पछता रहे हैं ये पर्सन, बहुत अच्छे तरीके से पछता रहे हैं, और पछता करके जो एक होता है ना कि आगे बढ़ने की चाहत है ना, तो वो भी हो रही है इनकी। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा है। कहते हैं कि इनका इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप इनके ऑफ़र का ही इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आप दिखा नहीं पा रहे हो, दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप इस पर्सन का ही इंतज़ार कर रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी का ही, मतलब आपको इंतज़ार है इस पर्सन के ऑफ़र का कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करे, लेकिन ये पर्सन जो है ना अपने घमंड में ही बैठा हुआ है, अपने पूरी तरीके से घमंड में बैठा हुआ है कि यार ये जो है ना क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब या ऐसी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कुछ और। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन जो है अब जो है आपकी लाइफ में है ना आने के बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि एक उम्मीद है। ठीक है, इस रिलेशनशिप से आपके पार्टनर को ये पर्सन उम्मीद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक उम्मीद के साथ जो है ना ये पर्सन इस रिश्ते में है ना आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की।
ये पर्सन जो अपने दिल में जो दर्द छुपा रहे हैं, जो तकलीफ़ें छुपा रहे हैं, अब वो दर्द वो तकलीफ़ें छुपाने का इनका टाइम, अब इनको लगता है कि अब दर्द तकलीफ़ें छुपा के मैं क्या करूँगा, सब कुछ उसके सामने रखता हूँ, जो भी कुछ है अपने मन में अपने जो दिल में है सब कुछ उसके सामने रखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना, उसके पास जाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके पास जो है ना जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जाना पड़ेगा, ठीक, आपके पर्सन को आपके पास। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो इन दूरियों को मिटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इन दूरियों को मिटा करके लाइफ में है ना आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को जो है आगे ले जाना चाहते हैं, और अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। चेंज का कार्ड है यहाँ, द ड्रीम, ट्रैवलिंग, गाइडेंस, एक्सिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे करेज, करेज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, चेंज का कार्ड है, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि बदलाव आएगा, डिवाइन है, एंजल्स है, यूनिवर्स है, हमारे जीवन में बदलाव ज़रूर लेकर के आएंगे ये लोग, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड हैं और वो हमारे ऊपर डिपेंड है, डिपेंड वो हमारे ऊपर नहीं है बट हमारे ऊपर कृपा ज़रूर होगी। कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो आपके पार्टनर ने भी वही किया है कि अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस पर्सन ने सब कुछ छोड़ दिया है, इस पर्सन को कुछ पता नहीं है कि ये टेढ़े मेरे रास्ते हैं, ये कैसे क्या होंगे, कैसे इनको उनसे छुटकारा मिलेगा, कैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इनको कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन करने की गजब की चाहत है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, मैनिफेस्ट करके आपको अपने लाइफ में लाने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में यहाँ पे एक जो होता ना कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक, जो भी प्रॉब्लम है अब ईश्वर सब कुछ सही करेंगे ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन किसी के गाइडेंस भी ले रहे हैं, सपने भी देख रहे हैं आपके, किसी की गाइडेंस इसलिए ले रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से इनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए ये नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और गाइडेंस भी ले रहे हैं और अपने आप को हील भी कर रहे हैं। अपने आप को हील करना मतलब मेडिटेशन करना और उसके थ्रू आपको मैसेजेस भेजना है ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैसेजेस भेजते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन आपको कॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैसेजेस भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको और कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, देखो हीलिंग पे ज़्यादा फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि हीलिंग कर लेंगे ना तो आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ सही कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को
एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि हाँ इनको सक्सेस मिलेगी, ठीक। इसलिए जो है ना यहाँ पे ये पर्सन मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए, जिससे आप दोनों को फ़ायदा हो, ठीक। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है, रीडिंग छोटी करते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है रीडिंग करने का अब, तो अब हम कल मिलेंगे रीडिंग में, ठीक है। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।